हेलो दोस्तों, आज मेरे पास ये जियो F220 फ़ोन आया है जिसकी कीपैड वर्क नहीं कर रही है। इसमें सारे बटन तो काम कर रहे हैं लेकिन इसका 9 नंबर का बटन वर्क नहीं कर रहा है। तो आप लोगों के सामने आज मैं इस फ़ोन को रिपेयर करूंगा। तो प्लीज़ आप लोग मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसका बैक कवर खोलकर इसके सारे स्क्रू खोल लेंगे। बॉडी को अलग करने के बाद इसके मदरबोर्ड को बाहर निकाल लेंगे। ये इसका बबल पैड है, इसको बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, अपने मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सिलेक्ट करने के बाद में हम इसकी सप्लाई को चेक करेंगे। इसमें ये 9 नंबर का बटन काम नहीं कर रहा है, इसे चेक करेंगे इसकी सप्लाई कहाँ से आ रही है। तो इसकी सर्किट को चेक करते हैं। देखिए, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। ये इसकी सीरीज इस 7 नंबर के बटन से होते हुए ये 5 नंबर के बटन पे होते हुए ये 9 पे आई है। इसकी सप्लाई को चेक करते हैं। मल्टीमीटर के एक पिन को ग्राउंड पर रखते हुए सबसे पहले इसके 5 नंबर के बटन पे बीप चेक करेंगे। उसके बाद 5 नंबर के ग्राउंड पे रखकर 9 नंबर के ग्राउंड को चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये सप्लाई इसकी टूटी हुई है। तो दोस्तों, इस ग्राउंड के बटन को एक बार इसमें शॉर्ट करके देखेंगे कि ये वर्क कर रहा है नहीं। तो चलिए दोस्तों, इसे ऑन करते हैं। देखिए दोस्तों, इसकी कीपैड चेक करते हैं। ये 7 नंबर की काम कर रही है, ये 5 नंबर की काम कर रही है, ये 9 नंबर की काम नहीं कर रही है और ये बैक की जिससे ऑन ऑफ होता है ये भी काम कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, एक पिन को हम 9 नंबर के पॉजिटिव पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे किस पिन से ये 9 नंबर की काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 नंबर के बटन के ग्राउंड से ये काम कर रही है, यहीं से सप्लाई होकर 9 नंबर के ग्राउंड पर जा रही है। देखिए दोस्तों, ये 9 नंबर का 9 नंबर की काम कर रही है प्रॉपर। ये 9 नंबर की हमारी इस 7 नंबर के बटन से सप्लाई आ रही है। देखिए, यहाँ से भी ये प्रॉपर काम कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम इसकी सप्लाई को जोड़ देते हैं। ये शॉर्ट बता रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई यहाँ से आते हुए और 9 नंबर के ग्राउंड से जुड़ी हुई थी जो कि टूटी हुई है। यहाँ से एक जंपर उठाकर यहाँ पे लगाएंगे तो ये 9 नंबर की एकदम ओके हो जाएगी। दोस्तों, जंपर आर लेंगे, इसको सोल्डिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा जंपर वायर लगा देंगे। दूसरा सिरा 9 नंबर की ग्राउंड पर लाकर जोड़ देंगे।
ध्यान रहे किसी और बटन से सॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, वरना ये ठीक प्रकार से काम नहीं करेगा और ऑटो वर्क करने लग जाएगा। देखिए दोस्तों, हमने इसे सोल्ड किया हुआ है। अब हम इसे चेक करते हैं इसकी 9 नंबर की की प्रॉपर काम करने लगी या नहीं। तो दोस्तों ये देखिए, ये प्रॉपर 9 नंबर की वर्क कर रही है। अब हम इसकी बबल पैड को लगा लेंगे और इसे चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, ये प्रॉपर चल रहा है। अब इसको पैक कर देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी सारे की ओके हो गई है। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।